JSR Film presents. हे भगवान, आज किसी भी तरह उनको काम मिल जाए बस। आ गए आप? हाँ, एक गिलास पानी पी लो भाई, बहुत तेज प्यास लगी है। इसे लग गया, इसे ले जा ठाके। कैसे चलेगा? भाई लिया यार पानी, बहुत तेज प्यास लगी है, गर्मी भी बहुत है। ये ले। और वो उठ गई दीपा? नहीं, क्या हुआ? आपने बताया नहीं, काम मिला या नहीं? भाई पूरा गांव में घूम आया, कहीं काम नहीं मिला। दीपक से भी पूछा, उसने भी मना कर दिया, भाई अभी कोई काम नहीं है, 15-20 दिन रुकना पड़ेगा। अब यार क्या बताऊं, कैसे करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। घर का खर्चा फिर कैसे चलेगा? 15-20 दिन तो बहुत लंबे टाइम है। घर का खर्चा वही मैं सोच रहा हूं। और एक दीपा है, उसने कुछ खाया नहीं खाया? नहीं, दीपा ने अभी नहीं खाया, वो सो रही है। घर में कुछ है खाने को? आपको तो पता है, 2 दिन से कुछ है ही नहीं खाने को, तो क्या बनाती मैं? कुछ रात का रखा हो, वो लिया थोड़ा। हाँ है, रात का लिया। लाते हुए वही गर्म करते हैं के लिए। तूने खा लिया खाना? हाँ मैंने खा लिया, आप खा लो। क्यों झूठ बोल रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही, सही में खा लिया। दीपा ने खा लिया था? हाँ उसने भी खा लिया। नहीं खाया होगा। अच्छा आप एक बात बताओ, आज काम नहीं मिला क्या कहीं आपको? मैंने सब जगह काम ढूंढ लिया, कहीं काम नहीं मिला। इसमें मेरी गलती क्या है? काम नहीं मिल रहा तो अब तू ही बता मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, कल सुबह सुबह चले जाना, कोई ना कोई काम आपको मिल ही जाएगा। काम कहीं मिल नहीं रहा, दिमाग बिल्कुल टेंशन में ना पूरा खराब हो रखा है। अब तो ये खा लेंगे, कल को क्या खाएंगे, मैं यही सोच सोच के परेशान हूँ यार। भगवान भी क्या इम्तिहान लेता है, क्यों गरीब बनाता है यार हम लोगों को। अच्छा आप टेंशन मत लो जी, कल तो कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। और एक गिलास पानी ला दे। हे भगवान, पी लें चाय। चलो तैयार हो जाओ, स्कूल भी जाना है। अरे ये तो अभी तक सो रहे हैं, 8 बज गए, सुनते हो? 8 बज गए, अभी तक सो रहे हो आप? क्या सच में 8 बज गए? हाँ सच में 8 बज गए। मुझे एक गिलास पानी ला लो, मुंह धो लेता हूँ और चाय पिलवा दो। चीनी चाय पत्ती तो है ही नहीं घर में, तो चाय कहाँ से बनाऊँ? आपको तो पता है 3 दिन से ना घर में चीनी है ना चाय पत्ती है, खाने का एक दाना भी नहीं है। और तू चिंता ना करे,
आज मैं काम करूंगा, घर का सारा सामान भी ले आऊंगा। ठीक है मम्मी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगे बेटा, क्या हुआ स्कूल में? क्योंकि मेरे सर ने आज बहुत मारा है और कहा था कि तेरे पापा ने 5 महीनों से फीस सबमिट नहीं किया है। बेटा तू टेंशन मत ले, अभी तेरे पापा को काम नहीं मिल रहा है, 1-2 दिन में जब काम मिल जाएगा ना तो आपके पापा फीस भर देंगे। मेरे स्कूल में बहुत बेइज्जती होती है, मेरे दोस्त भी कहते हैं कि तेरे पापा बहुत गरीब हैं, तू भी गरीब है। बेटा ऐसे नहीं कहते, मुझे और तेरे पापा को तेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तू हमारा नाम रोशन करेगी। मम्मी आप तो सही बोल रही हो, लेकिन आप जानती हो कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, लेकिन मेरे स्कूल के बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं मेरे को, बोलते हैं देखो देखो गरीब की बेटी आ गई। बेटा तू टेंशन मत ले, तेरी फीस मैं जमा करा दूंगी, तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और जाके अपने कपड़े चेंज कर ले। ठीक है मम्मी। तो मिल जाएगा यार, लेबर भी रखे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। एक तो महंगे लेबर पड़ते हैं। नमस्कार जी। हाँ भाई, अरे कहाँ रह गए थे तुम? अरे एक बेचारा गरीब है, बहुत परेशान था। अच्छा। काम मांग रहा था, अपने ढंग लगा रहा है ये लड़का है। हाँ। नमस्ते बाबू। नमस्कार। काम मिल जाएगा मुझे? काम तो लड़के की जरूरत थी, खैर खेत में थोड़े जंगल भी हो गए हैं और महीने के दिन का काम है। लमसम मैं काम कर लूंगा, सारा काम कर लूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरी जो बीवी है बहुत परेशान है, हमने खाना नहीं खाया 2-3 दिन हो गए, काम नहीं मिल रहा कहीं। ठीक है तो काम आपको दे देंगे, काम ये देख लो, समझ लो खेती का काम है। इधर आओ, ये खेती का काम है, फूलों का काम है, अगर हो जाएगा तो हाँ भर लो, नहीं तो फिर हम दूसरा रख लेंगे। ना हो जाएगा, हो जाएगा। तो इधर से भैया कहाँ से कैसे करना, किधर से चलना है? इधर से ये देख लो। बेटा स्कूल का सारा काम कर लिया? हाँ कर लिया बेटा। चलो कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर आराम कर लो। आ गए आप? हाँ आ तो गया। आज तो काम मिल गया होगा? हाँ भाई आज काम तो मिल गया और बड़ी खुशी की बात है, 1 महीने का काम मिल गया। लेकिन क्या है ना, पैसे नहीं मिले। पैसे क्यों? मालिक ने कहा है कि कल काम पे आएगा तो तुझे दे दूंगा पैसे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये तो खुशी की बात है ना, 1 महीने के लिए काम मिल गया। आ गया भाई? आ गया भाई। ले बीड़ी पी पहले। वो तो काम कर रहा है। हाँ भाई सही कह रहा है तू, अपनी तो छुट्टी हो जाएगी इस तरह। भाई कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। भाई सोचना क्या है? मतलब भाई जो कल नुकसान अपने पे हुआ ना, वो इल्जाम उस पे लगा रहे हैं। हाँ उस पे ही लगानी है। चल फिर मालिक के पास। हाँ जी सर। रामलाल ये दवाई का डब्बा किसने लिया? घास मारने वाली दवाई थी ये सर, वो राजू का मार दिया खेत में। राजू का ही काम हो, कल वो ही लगा रहा था यहाँ पे। अच्छा वो जो नया वाला बंदर? हाँ जी। तो तू उसे बताया नहीं? साहब मैंने तो मना किया था, दवाई नहीं इसमें खाल डलता है। फिर उसने ऐसा क्यों किया? साहब वो हरामी है, कहता है कुछ और करता है कुछ। हाँ साहब सही कह रहा है वो। हाँ जी। अच्छा ठीक, उसको बुला, अभी बताता हूँ उसे। राजू मालिक बुला रहे। जी मालिक। ये घास मारने वाली दवाई किसने लगाई? मैंने नहीं लगाई मालिक। फिर ये तो बता रहे हैं कि तुमने लगाई? नहीं मालिक, ये तो घास मारने वाली दवाई है, मुझे तो पता है। सर झूठ बोल रहा है वो।
अच्छा तो पूछ तो लेता इससे, ये पुराने हमारे बंदे। मैंने नहीं लगाई मालिक। हाँ श्यामलाल। बोल भैया रामलाल, झूठ बोल रहा है ये तो। क्या करेंगे भाई, अब देख लो। मालिक मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये गोभी है, ये फूल है। अच्छा ये लोग झूठ बोल रहा है। नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ। अब सच बोल या झूठ बोल, अब मुझे दिखाई मत दियो, निकल। मुझे मेरे पैसे दे दो और आप काम दे दो मालिक। मैंने नहीं किया ये सब, ये सब झूठ बोल रहे हैं मालिक। मुझे माफ कर दो मालिक, मैंने ऐसा नहीं। अरे नहीं, नुकसान नहीं चाहिए मुझे। साथ में इधर आओ। नहीं नहीं, चला जा तू। मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कोई बात नहीं बेटा, आज आपके पापा आने वाले हो रहे हैं, उन्हें आज मजदूरी मिलेगी तो राशन लेके आ जाएंगे, तब हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो माँ पापा पैसे भी लेके आएंगे तो कल मेरी फीस सबमिट कर देना, आपको बताया था सर बहुत डांटते हैं। ठीक है बेटा, कल आपकी फीस जो है वो सबमिट कर देंगे। आज पता नहीं कहाँ रह गए, बहुत टाइम हो गया अभी तक आए नहीं है। क्या हुआ, आज आप कोई सामान नहीं लेकर आए? क्या बताऊं तुझे, आज मालिक ने मुझे पैसे भी नहीं दिए और मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। क्यों? वो कहने लगे कि उनके खेतों में मैंने गलत दवा का छिड़काव किया है, खेत में उनके दवा मैंने छिड़की भी नहीं, मैंने खेत बर्बाद किया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अब तो मैं क्या करूं? पता नहीं भगवान भी क्या सोचते हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत तुम्हारी खराब नहीं है, मेरी वजह से तुम्हारी किस्मत और ज्यादा खराब हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोगों के साथ ऐसा भी होगा। मैंने ही ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिसकी वजह से। आप इतनी टेंशन मत लो, सब चीज ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा, उस फूल सी मेरी बेटी को तो देख, कुछ कह भी नहीं रही है, उसके हाथ से आंसू जर जर बह रहे हैं और मैं कैसा बाप हूं जो मेरी बेटी के लिए खाने तक का इंतजाम नहीं कर सका। अगर मर भी जाओ तो क्या करो, तू ही बता। आप रो मत, मरने से थोड़ा ना सॉल्यूशन हो जाता है कोई बात का। तुझे इस बात का एहसास नहीं है और ना तुझे किसी बात की परवाह है। पापा आप रो मत, आज गरीबी है कल नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी यही बेटी पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करेगी। बेटा मुझे इसी बात का तो फक्र है कि मुझे तेरी जैसी बेटी मिली, और तो मेरे जैसा खुश नसीब बाप दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो अपनी बेटी के लिए इतना खुश होते हैं। आज मुझे खुशी होती है कि हर बाप को एक बेटी होनी चाहिए, हर एक माँ के एक लाडली होनी चाहिए। बेटी मुझे घमंड है तेरा बाप होने पर, और मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि तेरे जैसी बेटी हर घर में पैदा हो।